जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि आगामी 21 जून से लेकर 26 नवंबर तक बृहस्पति देव राशि परिवर्तन वो कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन। बृहस्पति ने अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल में राशि परिवर्तन किया और वो मंगल की राशि में आया। जैसे ही वो मंगल की राशि में आया, राहु से उसका मिलन हुआ, जिसको गुरु चंडाल दोष कहा गया। अब गुरु राहु का योग आपकी राशि से देखें तो 9th हाउस में बन रहा है। लेकिन सबसे पहली खुशखबरी आपके लिए कि जैसे ही बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेगा, वो राहु की गिरफ्त से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि राहु चलते हैं उल्टे, बृहस्पति चलता है सीधा। बृहस्पति जाएगा भरणी नक्षत्र की तरफ, शुक्र की तरफ, राहु वापस जा रहा है अश्विनी नक्षत्र की तरफ। यानी बृहस्पति केतु के नक्षत्र से भी मुक्ति मिलेगी, बृहस्पति को राहु की युति से भी दूरी मिलेगी, नक्षत्र वाइज से दूर होते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। तो एक अच्छी खुशखबरी। दूसरा, बृहस्पति भाग्य स्थान में, योग कारक मंगल की राशि में, सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में, राहु से दूरी हो रही है। यानी अब बृहस्पति अपने पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम ज्यादा दिखाई देगा। यानी एक बहुत अच्छी स्थिति, मैं इसको कह सकता हूं कि जिस चीज का व्यक्ति को इंतजार रहता है कि भी राहु से मुक्ति मिल जाए, केतु के नक्षत्र से मुक्ति मिल जाए, यही मेरे बृहस्पति में प्रॉब्लम है, इन्हीं दोनों ने प्रॉब्लम डाल रखी है। जैसे ही मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ मोटे तौर पर दिखाई दी। अब भरणी नक्षत्र क्या है? एक भरण पोषण करने वाला नक्षत्र है। भरणी का मतलब ही है जो पोषण करता हो। अब भरणी नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाता है, वो उसका लालन पालन करता है, क्योंकि उसका कर्तव्य बनता है कि उसके यहाँ जो आएगा वो कोई भी हो, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, लेकिन उसका काम है भरण करने का। वो कहता है जी मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं पोषण करने का काम करता हूँ। अब वो शुक्र है। अब शुक्र कौन है? सुख साधन का कारक है, काल पुरुष के दूसरे घर यानी धन का फाइनेंस का कारक है। तो उस लिहाज से बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है। अब भरणी नक्षत्र क्या है? जहां भी सुख साधन दिखाई दे, जहां भी लग्जरी दिखाई दे, वहां भरणी नक्षत्र का प्रभाव है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो होटल का है, रेस्टोरेंट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का है, वाहन परचेज करने का है, सेल परचेज करने का है, ट्रांसपोर्ट्स का है, फैशन का है, मॉडलिंग का है, अभिनय का है, डिजाइनिंग का है, ज्वेलरी का है, इत्र का है, फूल का है, पौधों का है, खेती बाड़ी का है, प्रशासनिक कार्यों का है, एयर होस्टेस हैं आप, सौंदर्य प्रसाधन है, आप बुटीक चलाती हैं, आप बुटीक का काम कर रहे हो, आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हो, तो ये उन क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव है। यदि आपकी सिंह राशि है और आप इनसे संबंधित कोई भी काम कर रहे हो ना, तो समझ लीजिए आपके लिए ये औरों के मुकाबले ज्यादा बेटर है। अब ये बृहस्पति और ज्यादा खुश तब होता है जब वो शुक्र धन भाव कर्म भाव का मालिक है। क्या आप संयोग देखिए कि 9th हाउस जो भाग्य का भाव है, वहां पे कर्म भाव के मालिक शुक्र में के नक्षत्र में बृहस्पति ने एंट्री कर दी। यानी बृहस्पति का कर्म से जुड़ाव हो गया, भाग्य से तो हुआ ही हुआ, कर्म से जुड़ाव हो गया। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो गया, कर्म क्षेत्र को बढ़ाने में आपको सहयोग देगा। क्योंकि हमारी बात यहाँ सिर्फ नक्षत्र परिवर्तन को लेकर हो रही है, कभी आप ये समझे कि पंडित जी ने कहा है अच्छा हो जाएगा और अच्छा नहीं हुआ, मैं पूरी कुंडली का आपका फलित नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम बनता है मैं आपको जानकारी दूँ। मैंने आपको इससे पहले गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी दी, गुरु राहु के योग की जानकारी दी, अब मैं जानकारी दे रहा हूँ गुरु का राहु से दूर जाना और भरणी नक्षत्र में प्रवेश होना, ये आपके लिए क्यों पॉजिटिव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ से हुई, यहाँ से बैठ के बृहस्पति का आपकी राशि को दृष्टि हो रही है। यानी भाग्य स्थान में कर्म के नक्षत्र में चलते हुए राशि को दृष्टि देना दिखाता है कि ये समय कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए है, ये समय आपके लिए सम्मान को बढ़ाने वाला है, एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला है, कर्म क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिलाने वाला है, मान सम्मान की स्थिति को बढ़ाने वाला है। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए ये पॉजिटिव है। 21 जून से 26 नवंबर तक एक बहुत अच्छी स्थिति गुरु ने पकड़ी हुई है। अब गुरु पंचमेश होके यहाँ वापस दृष्टि दे रहा है और दशमेश के नक्षत्र में जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक हेल्पफुल स्थिति है कि मेरी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है मुझे रिजल्ट देने वाली होगी। अगर दशा बहुत अच्छी चल रही है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो नॉर्मल रिजल्ट मिलेंगे। यानी ये सहयोग करने के लिए तैयार है, ये आपको विद्या देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, संतान देगा, संतान से संबंध अच्छे करेगा। आप अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से प्रोफेशनली धन कमाओगे। कभी कभी क्या, पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल गई, जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया पैसा आना शुरू हो गया,
जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया, कंपनी ने सिलेक्शन कर लिया, वहां जाके जॉब करनी शुरू कर दी। तो ये उन्हीं सी चीजों से निकल के आते हैं ये कॉम्बिनेशन, कि शुक्र को जो भरणी नक्षत्र में का मालिक है, भरण पोषण करने वाला है, फाइनेंस का कारक माना जाता है, काल पुरुष के धन का मालिक है, शुक्र ज्ञानी है, बृहस्पति आचार्य हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी ज्ञान की परिकाष्ठा से कार्य क्षेत्र में तरक्की करते हुए बेहतर स्थिति को प्राप्त होने का समय है। यहाँ से बैठकर बृहस्पति तीसरे घर को देख रहा और वो शुक्र का घर है, यानी ट्रैवलिंग से फायदा होगा, यात्राओं से लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कीजिए, आपका काम होगा। तो एक बहुत अच्छा समय मैं कह सकता हूँ कि ये जो बृहस्पति गुरु जो है हमारे, ये शुक्र के नक्षत्र में जब ट्रांजिट करेंगे तो ये मजबूती महसूस करेंगे, और भरणी नक्षत्र इनका भरण पोषण करेगा, धन की स्थिति को, कार्य क्षेत्र की स्थिति को, सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। तो एक अच्छे समय की स्थितियां हमें सिंह राशि के जातकों के लिए दिखाई दी। जय श्री राम।